पिज्जा गेला तो रिटर्न ना तुम्हाला खायचं भाई। अरे तो दे रहा ना ओटीपी तो दे क्या बाकी जा रहा। हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइज आज है दीपावली, फाइनली आप सभी को हैप्पी दीपावली, दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइज आज 600 रुपये का ऑफर है, 9 गिग्स को 600 रुपये का ऑफर है, कम से कम 16 आउटर कम्प्लीट करना है। तो देखते हैं आज ऑफर कैसा होता है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता आज दीपावली का कोई बाहर से ऑर्डर करेगा, जो भी करेगा ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट ऑर्डर करेगा, ठीक है, बंसी महाराज का। तो देखेंगे ऑर्डर कैसा, ऑर्डर का फ्लो कैसा रहता है। मैंने तो सुबह 8 बजे लॉग इन किया हूँ, बट मेरे को ऑर्डर नहीं है, तब मैं तो नहाया भी नहीं था, तब मैंने लॉग इन करके रख दिया था। अभी सुबह उठा, नहा धो के रेडी हो के अभी फिर से मैंने 1 गिग सीन कंप्लीट डाल के फिर से लॉग इन हो चुका हूँ। अभी तक तो मेरे को कुछ ऑर्डर है नहीं, देखते आज का ऑर्डर का फ्लो कैसा रहता है। फिर से एक बार वंस अगेन आप सबको हैप्पी दीपावली गाइस। चलो देखते आज का धंधा कैसा है। बंसी महाराज फुल कर दिए, बंसी महाराज और फुल। फाइनली आज है दीपावली और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली गाइस, हैप्पी हैप्पी दीपावली। और हम लोगों को जोमेटो के बंदों को, देखो ये जोमेटो के बंदे, मतलब मैं भी जोमेटो का ही हूँ, तो हम लोगों को कंपनी ने इतना रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है जोमेटो के बंदे को, दीपावली के दिन हम नए कपड़े, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। उनका बोलना है अगर आपको आज काम करना होगा तो जोमेटो के ही कपड़े पहनना पड़ेगा, नहीं तो आज आप काम नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, हमको भी लगता है ना, फेस्टिवल मनाएं, सेलिब्रेशन करें, त्यौहार मनाएं, दीपावली मनाएं, इन्जॉय करें, लेकिन नहीं, जोमेटो को हमारे साथ क्या दुश्मनी पता नहीं। आज के दिन भी उन्होंने हमको नए कपड़े पहनने से मना किया है, बोले नहीं आज आप जोमेटो के टी शर्ट पहनोगे और बैग रखोगे, ऐसा लफड़े। तो कोई जोमेटो टीम वाला अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उनको बोलना भाई एक दिन के लिए तो छूट दे देता, हम भी नए कपड़े पहन लेते, रात को 12 बजे तक तो हमको काम करना ही ना, तो फिर हम इंजॉय कब करें। ऐसा ही है जोमेटो। चलो गाइज अपने को पहला ऑर्डर गिला है नालेगांव, जा रहे हैं अपन नालेगांव। गाड़ी निकली R15, नवीन गाड़ी घेतली भावानी कड़क मध्ये R15। सो गाइज अपने को गिरा है 25 रुपये का एक गोल्ड रश कैफे का ऑर्डर। ये नक्षत्र लॉन था, ये इसको स्काई ब्रिज बिल्डिंग बना दिया है इन्होंने, स्काई ब्रिज। और अपने को पहली ऑर्डर गिरी है स्काई ब्रिज की। हाँ अभी अपने को पहली ऑर्डर गिरी है और बहुत खतरनाक इधर सोसाइटी बनी स्काई ब्रिज बोल के, तो उसके अंदर अभी, अरे ये तो खतरनाक क्या बना लगा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। स्काई ब्रिज बंगले बहुत जबरदस्त है, लेकिन है क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है अपने को, क्या रेस्टोरेंट है क्या स्काई ब्रिज। अच्छा ये ऑफिस है, ये का अपार्टमेंट है की? तर ते मैडम जे आले ते घर है किधर? ऑफिस है। सो गाइस ये सब झंडू के फूल की खरीदी का मार्केट है था। सब झंडू के फूल, उसके झंडू। आज ऑर्डर नहीं कुछ नहीं, बिना काम के घूमते फिर रहे हैं गाइज। कल मेरे को है ना अपने एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, उनका नाम है निशांत दुबे भाई, कहाँ से पता नहीं मेरे को, लेकिन उनको TVS iQube खरीदना है, तो फिर वो यस मॉडल हो या तो ओनली iQube हो, तो उनका वो मेरे को बोल रहे हैं, बड़े दिन से मैसेज भी कर रहे हैं, भाई इसका 6 महीने वाला रिव्यू दो, जो कि अभी मेरा गाड़ी 21,000 मतलब करीब 22,000 किलोमीटर चला है मेरा गाड़ी, ठीक है। अभी उनको चाहिए 22,000 किलोमीटर वाला रिव्यू चाहिए, जो कि मेरे गाड़ी को 6 महीने का रिव्यू वो मांग रहे हैं, उसके लिए जल्दी वीडियो बनाओ। लेकिन अभी क्या है, दिवाली और घर के थोड़े काम और मम्मी भी हॉस्पिटलाइज हो गए थी, इसके लिए मेरे को टाइम नहीं मिला बनाने के लिए, लेकिन उनको बाइक ये परचेस करनी है और उनका डेली का रन है 30 किलोमीटर और ऑफ रोडिंग है पूरा,
तो मैं बस उस भाई के लिए कहना चाहूँगा ये वीडियो, बस ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, जो बस उनके लिए है। क्यों? क्योंकि उनका ऑफ रोडिंग है। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई, ऑफ रोडिंग के लिए लेना चाहोगे आपका बस 30 किलोमीटर का डिस्टेंस से ट्रैवल, जो भी आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या तो कॉलेज कर रहे होगे, तो ये गाड़ी मत लो, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक है ना। ये लो कोई इलेक्ट्रिक मत लो फिर, क्योंकि क्या है, ऑफ रोडिंग इसके लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि इसके हमारा रोज का 150-200 किलोमीटर का रन होता है, हमको पूरे दिन में से है ना, हमको भी मिलता है 30-35-40 किलोमीटर का ऑफ रोड मिलता है हमको भी। हमारे पूरे स्पेयर पार्ट गल के गए, ऐसे छुन 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 बज रहे। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा भाई, हमारा इसके अंदर पैसा वसूल होता है पेट्रोल का, इसके लिए हमने ये लिया है। बस आपको बस 30 किलोमीटर का लेना होगा तो बिल्कुल भी मत लो यार। मेरे को आनंद कच्ची दाबेली का ऑर्डर गिरा है, जो कि ज़रा भी सेफ नहीं है, पूरी गर्दी है। अभी मेरे को जाना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है, ठीक है, यहाँ से देखता हूँ। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा भाई मत लो, क्योंकि पूरा प्लास्टिक आइटम है, और इसका कैसा है, वायरिंग का काम है ऑफ रोडिंग का, तो पूरा गल जाएगा, हर एक चीज़ गल जाएगी। ऐसे समझ लो ना, अपन अगर कोई चीज़ है ना डेकोरेशन करके लेके जा रहे हैं, या तो कोई सजावट कार, कोई ऐसा गिफ्ट सजा के लेके जा रहे हैं, और पीछे एक बंदा हाथ में लेके बैठा है और ऑफ रोडिंग जा रहे हैं, तो उसके सब पार्ट गलते गलते जाते हैं ना, ऐसा है। और मेटल वाला गाड़ी जो भी है, फिर वो ओल्ड वाला ले लो, एच एफ डिलक्स ले लो, या तो कोई भी ले लो 30 किलोमीटर के लिए, सेकंड हैंड गाड़ी ले लो ऑफ रोडिंग के लिए, उसके ऊपर ऑफिस जाया करो, कॉलेज जाया करो। लेकिन ये प्लास्टिक के, ये प्लास्टिक का ले मत लेके जाओ, क्योंकि इसको जाएगा 2 लाख रुपये आपका बिना काम का, 1.5-2 लाख रुपये जाएगा, और ये प्लास्टिक लेने में कुछ मतलब है नहीं। तो अच्छा खासा ऑफ रोडिंग बता रहे थे भाई, ठीक है गाइज। चलो अपने को कच्ची दाबेली का ऑर्डर गिरा है, कि अपन इधर से तो नहीं जाएंगे, इधर से फुल्ली गर्दी है खतरनाक ना, तो चलो कोशिश करेंगे जाएंगे, जाने तो यार जो होगा वो देखा जाएगा, गर्दी तो गर्दी। चलो होगा, अभी मैं कैसा जाऊँगा इधर से आनंद कच्ची दाबेली, यू टर्न मार के जाना पड़ेगा। मुश्किल है गाइस, बड़ा ट्रैफिक है। सो गाइस, अपन वाकुड़ी फाटे के पास गए थे ऑर्डर लेके, जो कि ऑर्डर हुआ है कैंसल। अभी अपन जा रहे हैं फिर से कस्टमर अपने वो पिज्जा लेके सड़ा रेस्टोरेंट के लोकेशन पर दे देंगे, रेस्टोरेंट के मुंह पे और ऑर्डर करेंगे, ओटीपी ले लेंगे, ऑर्डर करेंगे डिलीवर, हम फिर नेक्स्ट ऑर्डर देखेंगे का कहता है। तो कस्टमर ज़्यादा टाइम पास कर रहा था। ओटीपी जोमेटो कैंसल ऑर्डर रिटर्न। पिज्जा गेला, आता रिटर्न ना तुम्हाला खायचं भाई, अरे तो दे रहा ना ओटीपी, तो दे क्या बाकी जा रहा, कोणाला हा मग घ्या ना, आता मला तुम्हाला मी का तो पिज्जा खाणार आहे का त्यो अहो आम्ही पिझ्झा आहे ना ऍक्च्युअल मध्ये ना टाकून देतो, खरं गडबड होतं ते, आम्हाला 12 रात्री 12 वाजेपर्यंत काम करत, असे आयटम खाल्ल्यानंतर तर कार्यक्रम होतो। अहो आम्ही ना, हे पिझ्झा आहे ना, कस्टमर आम्हाला हॉटेलवर सांगायला बरोबर नाही वाटत, आम्ही फेकून देतोय, खात नाही, कारण की ना मग उसको हाऊ राहायचं बोलणार होता माझ्यासमोर। काय झालं, एक ऑर्डर कॅन्सल झाली होती, आणि ते काय थोडा पिझ्झा आहे ना थंड झालेला होता, तर त्यांनी माझ्यासमोर कस्टमरला गरम करून दिला। सो गाइस, आपण लिहिली आहे वेदांत से ऑर्डर, अभी आपण जा रहे एम आय डी सी, जो की आपने को पर सिटी में से ऑर्डर गिरा है वेदांत का। चलो कोई बात नहीं, अपने को भी इंटरेस्ट नहीं था सिटी के अंदर काम करने का, बड़ा बकवास गर्दी उधर, बहुत खतरनाक गर्दी है, तो अपना भी मूड नहीं है उधर सिटी में काम करने का, तो अपन इधर सिटी के बाहर ही काम करेंगे जरा। भोंगा वागो भोंगा वागो भोंगा, अरे बाप इधर तो मुक्कर गर्दी है, ये नागा गजानन कॉलोनी मुक्कर गर्दी, या भी फटाकड़े के दुकान है। मेरे को डाउट आया था मेरे को, किसी बोले दिया है ना मैंने ऑर्डर दिया है क्या? 518। चलो गाइज, आपने दे दिया यहाँ पर ऑर्डर, अभी 520 रुपये लेंगे हम कस्टमर के पास से और दे देंगे और निकलेंगे। इस ऑर्डर का हमको मिला 68 रुपये। चलो सो गाइस गाइस गाइस, अभी हम आ चुके हैं संजोग होटल,
अरे कभी तुम आराम लो, घर पे दो चार दिन सोते जाओ, कर दो हमको रूप धंधे पानी कर दो हमको इस्टा। सो गाइज अपन आए इधर है, हेलो, हाँ जिम खाना के सामने, हाँ आ जाओ आ जाओ। ये गाइज जिम खाना है और एक क्लब है, क्लब है ना वो जिम खाना एक क्लब है ना, हाँ अच्छा ये क्लब है जिम खाना, अपने को इसमें देने का ऑर्डर ठीक है। तो अभी ये इसके अंदर क्या क्या होता है क्या क्या है मेरे को पता नहीं, बट ये पता है मेरे को क्लब है, कौन सा क्लब है क्या मालूम है। दलिंदर ऐसी दलिंदर कंपनी मैंने आज तक देखा नहीं यार, एक घंटे से बैठा उधर मैं एमआरडीसी में, ऑर्डर नहीं तो फिर अभी घर पे जाने का था, सोचा एक ऑर्डर गिरेंगी घर पे जाऊंगा आराम करूंगा सो जाऊंगा रात में काम करूंगा, लेकिन नहीं कंपनी को अपनी झक मारने की है, राइडर को दबा के रखने का है। चलो गाइस अरे गिरी ऑर्डर काकी गिरी इसके आपको अभी 21 बर्गर की ऑर्डर डाली कंपनी है क्या, एक घंटा वहां पे भी ट्रेन आखिरी में यहाँ बोला कि 21 की ऑर्डर डाली कंपनी ने, एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर देने की है अपने 21 का पार्सल है क्या है, बर्गर और मैक्सिकन, हाँ मैक्सिकन पिज्जा। अभी आपने को भूतकरवाड़ी में देखिए ये ऑर्डर करने का है एंड, और मिलेंगे हम आपको नाइट में क्योंकि अभी हमारा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। चलो गाइस ये ऑर्डर क्लोज करके निकलते हैं घर पर।